आज हम लोग गुणा करने की ऐसी ट्रिक देखेंगे जो बहुत कम समय में आप गुणा कर सकते हैं। जैसे एक नंबर हम लेते हैं, यानी जब बराबर, यानी जब दो लगातार संख्याएं हों, तब जैसे लिखा है 27 यानी 28 इंटू 20, 27 इंटू 28, अब इनको हमें गुणा करना है वो भी कम से कम समय में। तो कैसे करेंगे हम, जो यहाँ इस वाले नंबर को, यानी इसका पहले हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस इसी नंबर को ऐड कर देंगे। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 7 × 9 होता है, प्लस 27 ऐड कर दिया तो हमारा यहाँ 7 × 5 = 6 आंसर आ गया। इस तरीके से, क्योंकि इसमें फिर हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा, फिर लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे लिखा 27 और फिर 28 8 7 56 5 8 2 16 16 5 21 2 8 21 हो गया, फिर 2 7 14 2 2 4 4 1 2 2 7 14 2 2 4 4 1 5। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये इतना लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है। बस यहाँ पे हमने 27 का स्क्वायर किया, प्लस 27 और यहाँ पे 7 × 9 और प्लस उसमें ऐड कर दिया, इस तरह से हो गया। इसी तरह से हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसको भी आसानी से हम, जैसे 84 है इंटू 83 है, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम 84 का स्क्वायर कर देंगे। और मैंने दो नंबर्स का स्क्वायर करना मैंने बताया है कितना आसान तरीके से आप कर सकते हैं। 84 का स्क्वायर प्लस, इसमें छोटे छोटे नंबर का ही स्क्वायर करते हैं, तो 83 का स्क्वायर करेंगे हम, और यहाँ पे फिर इसी छोटे नंबर को ही ऐड कर देंगे। यानी हमारा इसका ऐड किया तो 6 8 6 9 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर निकला, और इन जब इस नंबर को हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6 9 7 2। इस तरीके से आसानी से हम लगातार जो संख्याएं होती हैं उनको करते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये ध्यान रखना कि इसमें जो स्क्वायर किया जाता है वो छोटी संख्या का ही किया जाता है। इसे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 2 6 और 2 2 5, ये लगातार संख्याएं हो गई, तो इसमें हम 2 2 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस 2 2 5 ऐड कर, जब 2 2 5 का स्क्वायर निकलेंगे तो 5 0 6 2 5 हो जाएगा, और प्लस इसमें 2 2 5 ऐड कर देंगे तो 5 0 8 5 0। कितनी जल्दी से, कितनी आसान तरीके से जो है हम स्क्वायर हमने, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी जब दो लगातार संख्या दी हो तो उसका मल्टीप्लाई कितनी आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।